नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं राजपत्र की। रात तेज आंधी तूफान आने के कारण किसान की गन्ने व धान की फसल में भारी नुकसान होने के कारण किसान रोने को मजबूर है। मैं आपको दिखाता हूं कि एक किसान का खेत है जो कि 20-25 बीघे के आसपास धान की फसल किसान ने लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं कि कच्ची फसल किस तरह जमीन पर गिरकर नष्ट हुई है। किसान दिन रात यहाँ पर मेहनत कर किसान ने ये धान की फसल पाली थी, और आज अचानक ही तेज आंधी तूफान होने के कारण किसान की धान की फसल गिरने से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो किसान ने धान की फसल यहाँ पे पैदा की थी वो आज गिरकर नष्ट हो गई। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो यहाँ सुबह से ही अपने धान की फसल के पास बैठे हुए हैं और अपना दुखड़ा रो रहे हैं। उन किसानों के पास चलते हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपए की लागत से लगाई हुई धान की फसल आज गिरकर नष्ट हो गई है। सरकार के द्वारा भी कोई भी सुविधा मुहैया न कराने जाने के कारण किसान आज रोने को मजबूर है। आपका नाम? सुशील कुमार जी, आप कहाँ के निवासी हो? जन्ना माजरा। ये आपके आज धान की फसल थी, कितने बीघे फसल थी, कितना नुकसान हो गया आपको? हमारे मर्ज 17-18 बीघे और तो अच्छा किया है 15-20 बीघे उनकी, और पूरे गांव की फसल नष्ट हो चुकी। क्या कारण हुआ कि नष्ट होगी फसल? बरात तेज आंधी बारिश की वजह से हुई। सरकार ने कोई सुविधा उपलब्ध कराई आपको इसके लिए? नहीं, कोई सुविधा कोई आया यहाँ? कोई आया नहीं। तो आप किस तरह इसे कहोगे कि सरकार कुछ न कुछ मैं सहायता कर दे किसानों सभी को? तो ये धान की जो फसल लगाई हुई थी, किसान का कहना है कि कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा और किसान अपनी धान की फसल पर बैठकर रो रहा है। और भी किसान हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी, आपकी धान की फसल का आज नष्ट हुई, क्या कारण हुआ? ये रात ज्यादा तेज हवा आई और बारिश आई, इसमें ये सब नष्ट हो गया। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सरकार कुछ न कुछ तो इसमें करे। आपने किसी आला अधिकारी को अवगत कराया? फिलहाल तो नहीं कराया, पर यहाँ पे हम कर रहे हैं मशवरा। आपके माध्यम से चले जाओ? आपके माध्यम से हम जाए। देखा कि किसान का कहना है कि किसान की धान की फसल गिरने के कारण किसान को भारी नुकसान हो चुका है, और किसान के पास कोई भी आला अधिकारी नहीं आया। किसान ने काफी प्रयास किया कि किसान की आवाज उठाई जाए, परंतु किसी ने भी किसान की आवाज नहीं उठाई। हम यहाँ आज किसान के पास पहुंचे हैं और देखा है कि किसान की लाखों रुपए की फसल नष्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि किसान को भारी नुकसान होने के कारण किसान आज आत्महत्या और मरने को मजबूर है, परंतु सरकार के द्वारा किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कैमरामैन कपिल राणा के साथ संजीव कुमार, राजपत्र टीवी।